गुड मॉर्निंग क्लास 10th ए. टुडे आई एम गोइंग टू डिक्टेट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर नंबर 9. द नेम ऑफ द चैप्टर इज बुली. एज यू नो इट वेरी वेल, आई एम डिक्टेटिंग योर क्वेश्चन आंसर. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक कंटिन्यू ऑफ दिस चैप्टर एज क्वेश्चन. थिंक अबाउट इट, राइट डाउन द क्वेश्चन. Why did Bholi at first agree to an unique match? Why did the later reject the marriage? Why does he this tell us about her? देखिए, भोली जो थी उस वो पहले तो अपने अनयूनिक मैच यानी असामान्य विवाह पर वो क्यों तैयार हो गई थी. Why did the later reject the marriage? बाद में उसे शादी करने से क्यों इनकार कर दिया. पहले तो उसने स्वीकार कर लिया था, फिर उसने क्यों इनकार कर दिया. What does this tell us about her? कि क्या चीज हमें इसके बारे में क्या बताती है. भोली न्यू दैट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड वॉज अ लेम ओल्ड ग्रोसर. भोली जानती थी कि उसका पति जो है वो लंगड़ा है और बहुत ही पुराना बनिया है. ग्रोसर माने बनिया है. He had quite grown up children also. और उसके पर्याप्त बड़े बच्चे भी थे. From her first wife, पहली पत्नी से उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे. Still भोली agreed to unequal matches. फिर भी भोली जो थी वो असामान्य विवाह पर राजी हो गई थी. Only for the sake of her father's इज्जत, क्योंकि वो केवल अपने पिताजी की इज्जत के कारण वो इस बात पे तैयार हो गई थी. भोली जो थी उससे शादी करने के लिए कि अपने पिताजी की इज्जत बताने के लिए. She did not want to bring disagree. वो जो थी वो disagree नहीं थी for the family by refusing the marriage. वो अपने परिवार अपनी शादी का इनकार करके अपने परिवार को अपमानित नहीं करना चाहती थी. वो अपने परिवार को अपमानित नहीं करना चाहती थी. However, she was forced to reject the marriage as Bisambhar was demanding dowry. और वो जो थी वो and she was forced to reject the marriage as Bisambhar was demanding dowry. और वो इसलिए शादी करने के लिए बाध्य थी क्योंकि बिसंबर जो था वो दहेज की मांग नहीं कर रहा था. She could not bear the insult of her father. वो अपने पिता की बेइज्जती को सहन नहीं कर सक रही थी. रिजेक्ट द मैरिज एट बिसंबर वॉज डिमांडिंग डॉरी, क्योंकि बिसंबर जो था वो दहेज की मांग नहीं कर रहा था. सी कुड नॉट बियर द इंसल्ट ऑफ हर फादर, और वो अपने पिता की बेइज्जती को स्वीकार नहीं कर सकती थी. बट हर रिफ्यूजल वॉज वी मे कंक्लूड दैट, अंत में उसके रिफ्यूजल को उन्होंने स्वीकार कर लिया. दैट भोली इज नो मोर, क्योंकि भोली और कुछ नहीं जानती थी. भोली सी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अब बाद में उसने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि भोली जो थी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी, आत्मविश्वासी थी एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और हर चीज अच्छे से समझ लेती. भोली हैड मैनी एप्रिहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल. भोली जो थी वो स्कूल जाने के बारे में बहुत सारे अपने बारे में अपोजिट चीजें सुन रही थी. What made her feel that she was going to better place than her room? जबकि वो क्यों महसूस कर रही थी, शायद वो अपने रूम की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छे स्थान पर जा रही थी. घर में भोली जो थी वो स्कूल के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें सुना करती थी, लेकिन फिर भी वो सोच रही थी कि शायद वो अपने कमरे से कहीं अच्छे स्थान पर जा रही हो. भोली वॉज बाथ एंड ऑयल वॉज पुट इन टू हर मैटेड हेयर. भोली को नहलाया गया था और उसके बालों में तेल लगाया गया था, जो उसके चटाई के ऐसे बाल हो गए थे उन भोली को नहलाया गया था और उसके सर पर तेल डाला गया था. शी वॉज ऑल्सो गिवन क्लीन क्लॉथ्स टू वियर, और उसको पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े दिए गए थे. दीज थिंग्स हैड नेवर हैपेंड टू हर बिफोर, इससे पहले उसके साथ कभी भी ये चीजें घटित नहीं हुई थी. सो शी बिगेन टू बिलीव, इसलिए वो महसूस करने इसलिए वो विश्वास कर रही थी
दैट सी वॉज गोइंग टू बेटर प्लेस देन हर होम। तो इसलिए वो महसूस कर रही थी शायद वो जिस स्थान पर है अपने कमरे के अपेक्षा अधिक अच्छे स्थान पर जा रही है। हाउ डिड भोली'स टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। किस तरीके से भोली की लाइफ में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था उसकी टीचर ने, किस तरीके से भोली के परिवार में उसकी टीचर ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। भोली'स टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन को बदलने के लिए। भोली की टीचर ने उसके जीवन को बदलने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। सी वॉज अ ट्रू टीचर इन द रियल सेंस, वास्तविक माने में वो एक अच्छी टीचर थी। सी वॉज वेरी काइंड एंड सम्पैथेटिक, वो बहुत दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थी। सी इनकरेज भोली टू स्पीक विदाउट स्टैमर, वो भोली से को प्रोत्साहित करती थी कि वो बिना लड़खड़ाए बोले। सी ट्रांसफर द सिम्पल्टन, और वो भोली से सीधी सादी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। भोली इनटू ए कॉन्फिडेंस सुलेखा, भोली जो थी वो कॉन्फिडेंस में, उसका नाम सुलेखा था। दिस जर्नी फ्रॉम भोली टू सुलेखा हैड नेवर बीन सक्सीडेड, ये जर्नी जो ये यात्रा जो थी भोली की वो सुलेखा के रूप में नेवर बी सक्सीड, कभी सफल नहीं हो पाई। इफ द टीचर वुड नॉट हैव सो अफेक्शनेट एंड रिसोर्सफुल, अगर भोली जो थी वो सुलेखा के रूप में कभी भी सफल ना हो पाती। इफ द टीचर वुड नॉट हैव बीन सो अफेक्शनेट एंड रिसोर्सफुल, अगर उसकी टीचर उसके प्रति इतना प्रेम ना दिखाती और इतनी सहानुभूति ना दिखाती तो भोली कभी भी सुलेखा के रूप में परिवर्तित ना हो पाती। द टीचर इन्फ्यूज इन भोली न्यू होप, टीचर ने भोली के अंदर एक नई आशा जगाई थी। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नया जीवन जगाया था। देन भोली वॉज सो बोल्ड, भोली इतनी अधिक बहादुर हो गई थी दैट सी रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रीड मैन, भोली इतनी बोल्ड हो गई थी, इतनी बहादुर हो गई थी कि उसने एक लालची आदमी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। सी बिकम अ टीचर इन द सेम स्कूल, वो उसी स्कूल में एक टीचर बन गई थी। वेयर शी हैड स्टडीड, जहाँ पर उसने अध्ययन किया था, जहाँ पर वो पढ़ी थी उसी स्कूल में एक टीचर बन गई थी। ऑल द हैपेंड ड्यू टू द टीचर, और ये सब किस कारण हुआ, ये सब उसकी अच्छी टीचर के कारण हुआ। भोलीज रियल नेम इज सुलेखा, भोली का वास्तविक नाम सुलेखा है। वी आर टोल्ड द राइट इन द बिगनिंग, जैसा कि शुरुआत में बताया गया है, बट ओनली इन द लास्ट, लेकिन केवल बाद में, बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज भोली कार्ड सुलेखा अगेन, लेकिन इस चैप्टर के एकदम लास्ट में आखिरी पैरे में बताया गया है सुलेखा का नाम लिया गया है। व्हाट डू यू थिंक सी इज कॉल्ड सुलेखा एट द पॉइंट इन द स्टोरी, आप क्या आप सोच सकते हैं, आप क्यों सोचती हैं कि स्टोरी के अंतिम पॉइंट पर उसे सुलेखा क्यों कहकर पुकारा गया। थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी कहानी में वी फाइंड भोली क्वाइट सिंपल टोन, पूरी स्टोरी में हमने ये पाया कि भोली जो थी वो बिल्कुल सिंपल यानी सीधी सादी थी। सी इज लाइक ए डम्ब काउ, वो बिल्कुल गूंगी गाय के समान थी। सी इज कॉन्टेंट विद वॉट सी गेट्स, उसे जो मिला था वो उसी में संतुष्ट थी। भोली को जो कुछ मिला था वो उसी में संतुष्ट थी। सी नेवर कंप्लेन, वो कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करती थी। बट इन द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, लेकिन स्टोरी क्लाइमेक्स में As it is revealed to us, हमें ये बताया गया है that भोली is no more a dumb cow, लेकिन पूरी कहानी में ये बताया गया है कि भोली जो थी वो एक गूंगी गाय के से अधिक नहीं थी। She had been transferred into a bold and confident girl, उसे एक बहादुर और एक कॉन्फिडेंट यानी एक बहुत ही आत्मविश्वासी लड़की के रूप में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया यानी उसे परिवर्तित कर दिया गया। She does not stammer at all, अब वो बिल्कुल भी हकला कर या लड़खड़ा कर नहीं बोलती थी। Even she refuses to marry, यहाँ तक कि उसने शादी करने से भी इनकार कर दिया था। She promises to look after her parents in the old age, और उसने ये वादा किया था कि अपने माता पिता की बुढ़ापे पे वो देखभाल करेगी। This is why भोली is called सुलेखा again, इसीलिए भोली को आखिर में अंतिम पैरे में सुलेखा कहकर फिर पुकारा गया है। Only in the last पैरा of the story, स्टोरी के अंतिम यानी लास्ट पैरे में।
स्टोरी दो वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग, जबकि हमें ये शुरुआत में बताया गया है और उसके बाद हमें ये लास्ट में बताया गया है। बच्चों आज हम इतना, टुडे आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास, आज इतना ही मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं उसमें इतने की ही मैंने आपको हिंदी बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट अगले टर्न में यानी अगले पीरियड में आगे के क्वेश्चन आंसर देंगे और उसकी आपको हिंदी डिक्टेट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। तुम लोग उतनी देर में